क्या चल रहा है लाइफ में? बस कुछ नहीं चल रहा है। क्या चल रहा है लाइफ में? मूवी सिनेमा। क्या चल रहा है लाइफ में? बकवास। क्या चल क्या रहा है अभी? अभी क्या चल रहा है दुनिया में? अरे क्या हो रहा है? कोरोना कोरोना कोरोना। पिछले एक हफ्ते से एक ही शेड्यूल चल रहा है। तो निखिल का कुछ तो घर या कुछ तो था शिरूर में। अभी शिरूर किधर होगा? तो पुणे में कि पुणे के आउटस्कर्ट्स में? आउटस्कर्ट्स के बाहर है। नहीं नहीं आउटस्कर्ट्स बोलते हैं। अरे एमसी ठीक है, बाद में झगड़ो, बाद में झगड़ो। ठीक है कहीं भी है तो बस उधर जाने का प्लान था, क्योंकि निखिल हमको लेके जा रहा था। वो समर्थ जो एक्साइटेड हो जाता है ना, तो कोई भी प्लान को हाँ बोल देता है, और वैसे उसने इस प्लान को भी हाँ बोल दिया। बाद में निखिल ने असली रियलिटी बताई, तो उसने बताया कि उधर बहुत ही गर्मी होती है, प्लस एसी नहीं है, प्लस नो इंटरनेट, वाईफाई नहीं, इंटरनेट और कुछ नहीं होगा। मेन है कि कोरोना, तो उस वजह से हम नहीं जा रहे, क्योंकि हम इधर ही घूमते हैं सोसाइटी में नीचे, वो भी हम तीन या चार लोग। ऑलराइट, सप्लीमेंट्स मैम, सप्लीमेंट वो वाला नहीं, सबसे कॉमन सप्लीमेंट वे प्रोटीन। एक कमेंट आया, हाउ टू कन्विंस पेरेंट्स फॉर बाइंग वे प्रोटीन। अब मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे कन्विंस नहीं करना पड़ा, बट ऑब्वियसली इंडिया में इतने सारे मिथ्स है वे प्रोटीन के। बहुत सारे लोग जब अपने पेरेंट्स को बोलते हैं तो होता है कुछ ऐसा। या सो दिस हैपेंड, सो द प्रेजेंटेशन, पापा पूरे दिन के खाने से प्रोटीन का इंटेक पूरा नहीं हो रहा है, तो एक वे प्रोटीन लेके। वे प्रोटीन? मेरे को स्टेरॉइड लेना है, वो पाउडर लेना है, पाउडर वाली बॉडी बनानी है। स्टेरॉइड पाउडर लेना है, पाउडर लेना है, पाउडर लेना है। तो ये अभी तक वे प्रोटीन को एक स्टेरॉइड कंसीडर किया जाता है। जो लोग वे प्रोटीन लेते हैं उन्हें पाउडर की बॉडी और ये सब बोल, बट ऑब्वियसली हम वे प्रोटीन यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो इंडियन खाना है उसमें हमें इनफ प्रोटीन नहीं मिल रहा है। नो डाउट समर्थ भी मुझे कुछ टाइम पहले पाउडर की बॉडी सब बहुत बोलता, इनफैक्ट अभी वो खुद वे प्रोटीन कंज्यूम करता है। क्वेश्चन की कन्विंस कैसे करे कि रॉ फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन बताए, जिससे कि उन्हें पता चले कि जो वे प्रोटीन है वो हार्मफुल नहीं है। मैंने अपना फर्स्ट वे प्रोटीन का डब्बा एक साल पहले मंगाया था, और मुझे अभी भी याद है जब मैं वो मंगा रहा था तो मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे कि वे प्रोटीन हार्मफुल है क्या। हर वीडियो में एक कॉमन फैक्ट था, और वो था कि वे प्रोटीन है, वे प्रोटीन बेसिकली मिल्क प्रोडक्ट है। जब मिल्क को स्ट्रेन करते हैं उसके बाद जो चीज़ का बाय प्रोडक्ट है वो वे होता है, या ऐसा कुछ ही रिलेशन है, बट इन शॉर्ट वो एक डेयरी प्रोडक्ट है। तो कुछ व्लॉग्स पहले मैंने बोला था कि हम एक रील शूट करने के लिए नीचे गए थे। अब वो रील क्या है वो आप इंस्टाग्राम पे देख लिया होगा, बट उसके थोड़ी बिहाइंड द सीन्स है जो कि मेरे गैलरी में अभी तक पड़े हुए हैं। मुझे बहुत पहले ही अपने व्लॉग में डालना था, उसकी फाइनली मैं इस वीडियो में डाल रहा हूँ, तो वो बिहाइंड द सीन्स देखो। ऑलराइट, तो 90% ऑफ द डे घर पे ही है। ऐसे बहुत गेम्स है, एक है मोनोपोली, एक है ये, फिर एक पूल टेबल भी है, मिनी पूल टेबल, मतलब मिनी स्नूकर या पूल टेबल जो भी बोलते हैं उसे, और मिनी टेबल टेनिस भी है मेरे पास, पर वो सब हम खेलते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। पर ये गेम मुझे खेलने का एकदम से मन हुआ, बट द रीज़न कि इतने दिन से ऐसे ही पड़ा है क्योंकि इसके अंदर एक बैटरी होती है, मतलब एक सेल है जो कि रिचार्जेबल बैटरी है, वो जब हम इसमें चार्ज करके डालेंगे तब ये स्मूथली फंक्शन होता है। पर जबकि मैं दो दो दिन तक उस बैटरी को चार्जिंग पर रखता हूँ फिर भी वो बिल्कुल स्मूथ नहीं होता, मतलब फर्स्ट 10 मिनट्स के लिए बहुत स्मूथ होता है, उसके बाद ये तो ऐसा होता है गेम। बट जो ये कॉइन है स्ट्राइकर क्या बोलते हैं इसे, जो भी है, ये इस गेम का नहीं है, ये वो कार्ड्स वाला जो कॉइन्स रहते हैं ना वो है। ये इसका जो एक्चुअल स्ट्राइकर या कॉइन जो भी है वो अभी मेरे पास है नहीं, मतलब घूम गया वो, पता नहीं। तो ये जो होल्स है ये क्या है? बेसिकली इसमें से हवा निकलती है, और वो हवा से जो ये है इसे एक स्मूथ फंक्शनिंग मिलता है, जिस वजह से ये इजीली ट्रैवल करता है, जैसे कि ये। पर ये एक पॉइंट पे रुक रहा है, पर वो जो नीचे की हवा है वो इतनी ज़्यादा होनी चाहिए कि ये कंटिन्यूसली थोड़ा इधर उधर, अगर आपने खेला होगा किसी भी गेमिंग जोन में तो ऑब्वियसली वो पूरा टाइम
स्ट्राइकर हिलता रहता है, बट इधर देखो एट अ सर्टन पॉइंट तक ही वो स्लाइड होता है, उसका दूर रुक जाता है। रीज़न ये है कि जो बैटरीज है वो पता नहीं शायद पावरफुल नहीं रही है अभी तक, क्योंकि मैं तो कम्प्लीटली बैटरीज को चार्ज करता हूँ, फिर भी जो बैटरी है वो इतना पावर नहीं दे पा रही इस गेम को, तो उस वजह से मैं आइस हॉकी नहीं खेल पा रहा, नहीं तो मैं अभी तक सब लोगों को बुला के आइस हॉकी रोज खेल लेता। अभी दो ऑप्शन बचे हैं, पूल टेबल और टेबल टेनिस, जो कि मैं मे बी कल निकलूँगा, उसे क्लीन करूँगा, आने वाले ब्लॉग्स में हम वो खेलेंगे। तो क्या क्या अरे पापा अरे बेटे बेटे पाउडर लेना है, पाउडर लेना है। अरे तो कैसे जा रहा है, कैसे जा रहा है।